नौजवानों को उनका हक नहीं मिल रहा। एक हस्ताक्षर अभियान छेड़े, जम्मू कश्मीर के हालात बस से बदतर हो चुके हैं, परंतु फिर भी केंद्र और राज्य सरकार को चिंता सिर्फ कश्मीर के नौजवानों की है। आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में देख लीजिए, पीएससी में देख लीजिए, जब लिस्टें निकलती हैं उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया जाता है। आप शिक्षा में देखिए, उनको स्कॉलरशिपें दी जा रही होती है, प्लेसमेंट में देखिए आप, उनको बिल्कुल ही ऐसे विकल्प दिए जाते हैं, लेकिन जम्मू को किसी तरह से नौजवानों के हक को लेकर कोई चिंता नहीं है। पैंथर्स पार्टी ने जो इतने सालों की भेदभाव को लेकर एक मुहिम शुरू की है, निर्णायक मुहिम है जम्मू अलग राज्य की, जम्मू का नौजवान भी अब कश्मीर के नौजवानों के साथ नहीं रह सकता। अब हमने जन पैंथर्स ने एक विकल्प जो पैंथर्स पार्टी उसको चुना हुआ है, अलग राज्य को लेकर हम 7 तारीख से एक मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और नौजवानों को हम रजिस्टर करेंगे, और उसमें हमारा जो टारगेट होगा जम्मू संभाग से कम 1 लाख नौजवानों को हम सोशल मीडिया के तहत उनके सिग्नेचर के तहत हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। और हमारा एक ही अब नारा है, जम्मू अलग प्रदेश, पीएससी अलग होना चाहिए, जम्मू का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अलग होना चाहिए और जम्मू का मुख्यमंत्री अलग होना चाहिए। कश्मीर के नौजवानों के साथ जो इंटरनेशनल और जो कि अब देश विरोधी नारे लगाने वाले हैं उनके साथ जम्मू का नौजवान अब नहीं रह सकता। हमें अलग प्रदेश चाहिए, अपना हक चाहिए।